Students, today the topic of our class is octal, decimal and hexadecimal number system. In a previous class we have discussed already that what is the number system and what is the binary number system. तो आप लोगों को वो आइडिया होना चाहिए कि नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है. अब आगे हमने नंबर सिस्टम के फर्दर जो बाकी थ्री टाइप्स हैं वो हमने आज पढ़ने हैं. ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसको कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसको कहते हैं. तो सबसे पहले हम जाते हैं जो ऑक्टल नंबर सिस्टम की तरफ. ऑक्टल नंबर सिस्टम एक्चुअली होते हैं कि ऑक्ट कहते हैं दी एट को. एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम वो नंबर्स होते हैं जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं और सेवन तक होते हैं. इसके अंदर हमारे पास एट नंबर्स होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सेवन. ठीक है, चूंकि जीरो से ये स्टार्ट होना है इसलिए हमारे पास ये सेवन तक ये नंबर्स होंगे और ये नंबर्स हमारे पास टोटल एट होंगे और इसका बेस जो होगा वो भी एट ही होगा. और ये हमारे पास जो होगा ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये हमेशा हमारे पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ होता है. कंप्यूटर एप्लीकेशन जितने भी है वहाँ पर ऑक्टल नंबर यूज़ होते हैं. यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डिफिनेशन लिखी है. इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम द बेस इज एट एंड इट यूजेस नंबर्स फ्रॉम 0 to 7 टू रिप्रेजेंट नंबर्स. एज आई टोल्ड यू बिफोर के हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम में एट नंबर्स होते हैं और ये 0 to 7 होते हैं. वही बात मैंने यहाँ पे भी लिखी है. ऑक्टल नंबर्स आर कॉमनली यूज इन अ कंप्यूटर एप्लीकेशन और ये कंप्यूटर एप्लीकेशन में यूज होती है. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सेकेंड नंबर पर जो है डेसीमल नंबर सिस्टम है. डेसीमल नंबर सिस्टम डेसीमल यू नो के 10 को कहते हैं. ठीक है, वो सारे नंबर जिसका बेस 10 होगा वो हमारे पास डेसिमल नंबर्स होंगे और ये नंबर स्टार्ट होता है फ्रॉम 0 to 9. जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले क्लास में भी कहा था कि डेसिमल नंबर्स नंबर सिस्टम में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि 0 to 9 नंबर्स जो होंगे वो डेसिमल नंबर्स में काउंट होते हैं. तो यहाँ पे अगेन मैं बता रहा हूँ कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो सारे नंबर जो 0 से स्टार्ट होकर 9 तक जाते हैं और जिसका बेस हमारे पास 10 होता है वो डेसिमल नंबर्स होते हैं. और ये नंबर जो होते हैं 0 to 9 ये किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करता है. इसके अलावा हमारे पास है जी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी जस्ट लाइक ऑक्टल नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम और ये नंबर जो होते हैं इसका बेस बेसिकली होता है 16. ठीक है, कोई भी नंबर अगर हमारे पास है तो इसका बेस जो होगा वो 16 होगा और ये नंबर 0 से लेकर 15 तक होंगे. लाइक 0, 1, 2, 3 अप टू 15 जितने भी नंबर्स होंगे ये टोटल 16 बन रहे हैं और इसको कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. इन द हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर्स आर रिटन आर रिप्रेजेंटेड विद द बेस ऑफ 16. जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 16 बेस के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इन द हेक्सा सिस्टम द नंबर्स आर फर्स्ट रिप्रेजेंट इज जस्ट लाइक इन अ डेसीमल सिस्टम. और इसको हम जो पहले जो नंबर्स होते हैं 10 तक वो डेसीमल में रिप्रेजेंट करते हैं 0 to 9. अब 0 to 9 के बाद जो 9 के बाद जो हमारे पास नंबर्स होंगे 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 इस नंबर्स को जी कंप्यूटर साइंस के अंदर कंप्यूटर के अंदर हमारे पास इनके लिए स्पेसिफिक नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स स्पेसिफाई किए गए हैं और वो है जी हमारे पास ABCD. A to F हमारे पास नंबर्स हैं. 10 रिप्रेजेंट करता है जी, चूंकि 10 हमारे पास कंप्यूटर के अंदर नहीं स्टोर होता तो इसलिए इसके अंदर इसके लिए हम A यूज़ करते हैं, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E एंड 15 के लिए F रिप्रेजेंट करता है. इसके बाद हमारे पास एक टेबल जो है मैंने अभी क्रिएट किया है, टेबल ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 0 to 15. इस नंबर्स में ये जो हमारे पास नंबर्स है 0 to 15 इसमें जी बाइनरी नंबर्स भी काउंट होता है, डेसिमल नंबर्स भी हमारे पास है, ऑक्टल नंबर्स भी है एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स भी है. यू शुड टू नो के कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितना भी डेटा हमारा स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1 नंबर्स में होता है. अब 0 और 1 क्या है, वो बाइनरी नंबर्स है जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है डेसिमल नंबर्स. अब डेसिमल नंबर्स मैंने पहले बताया कि 0 to 9 तक है, लेकिन हमारे पास ये एक सीरीज बन रहा है, ये सारा एक सीरीज हमारे पास है. ठीक है, जिसमें सारे नंबर है 0 to 9 जो है वो डेसिमल है, 0 to 7 जो है वो ऑक्टल नंबर है, 0 to 15 जो है वो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर्स में होता है. ये हमारे पास बाइनरी नंबर्स है जिसको हमारे पास ओनली 2 नंबर्स होते हैं, 0 एंड 1. अब जिसका जो हमारे पास कम्बिनेशन होता है वो किसी भी नंबर ऑक्टल नंबर का, डेसिमल नंबर का या हेक्साडेसिमल नंबर का हो सकता है. लाइक यहाँ पे मैंने 0 को लिखा है, 0 को हम बाइनरी नंबर्स में भी 0 ही काउंट कहते हैं, 1 को जी हम यहाँ पे 1 कहते हैं, अब 2 को हम जी रिप्रेजेंट करते हैं विद द बाइनरी नंबर्स 1 एंड 0. अब ये आपको आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि 1 एंड 0 2 को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बाद जी हम नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक है जिसको कहते हैं कन्वर्जन. ठीक है, कन्वर्जन के नाम से एक टॉपिक है जो कि हमने कन्वर्ट करना होता है डेसिमल नंबर को इनटू
बाइनरी नंबर्स, ठीक है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितना भी डेटा स्टोर होगा वो इन द फॉर्म ऑफ वन जीरो होगा। अब आप लोगों को ये भी पता होगा कि जी कंपाइलर एक्चुअली क्या होता है। कंपाइलर हमारे पास एक टूल है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके बेस पे कंप्यूटर अपने लिए किसी भी ह्यूमन लेवल ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अब कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज हमारे पास कौन सी है, वो जीरो एंड वन है, मशीन लैंग्वेज जिसको कहते हैं, या लो लेवल लैंग्वेज जिसको कहते हैं, या बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी नंबर्स कहता है। तो कन्वर्जन्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमने जी एक डेसिमल नंबर को, ऑक्टल नंबर को, या हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है और किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे। 3 के लिए हमारे पास है 11, 4 के लिए हमारे पास 100, 5 के लिए हमारे पास 101 है, 6 के लिए 110 है, 7 के लिए 111 है, 8 के लिए 1000 है। अब यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि सारे हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ ये बाइनरी नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये सर्कल जो हमारे पास, जहाँ पे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड जीरो है, वन और जीरो के अलावा कोई नंबर्स नहीं है आप लोगों को नजर आ रहा, क्योंकि ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल नंबर्स है। कंप्यूटर के अंदर जितना भी डेटा स्टोर होगा वो इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन होगा, और इस तरह हमारे पास सीरीज हो गए। अब अगर हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा, फॉर एग्जाम्पल हम एक फोल्डर को नाम देता है 8, अब अगर हम नाम 8 देंगे तो वहाँ पे 8 आप लोगों को नज़र तो 8 आएगा, लेकिन वो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर 1000 के नाम से स्टोर हुआ होगा, ठीक है। इसके अलावा 9 है हमारे पास 1001 के नाम से। इसके अलावा 10, 10 के साथ मैंने यहाँ पे ए लिखा है, जिस तरह अभी पहले मैंने बताया है इस लेक्चर में, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि द नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग द अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड। फ्रॉम 0 to 9 हमारे पास डेसिमल नंबर में काउंट होते हैं, देन द नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग द अल्फाबेट फ्रॉम 0 to F, sorry A to F। ये हमारे पास ए टू एफ के नंबर जो है 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ए को हम 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद अल्फाबेट ए, 11 को B से रिप्रेजेंट करते हैं, 12 को C से रिप्रेजेंट करते हैं, 13 को D से रिप्रेजेंट करते हैं, 14 को E से एंड 15 को F से। अब 10 के लिए यहाँ पर हमारे पास बाइनरी नंबर जो है 1010 है, 11 के लिए 1011 है, 12 के लिए 1100 है, 13 के लिए 1101 है, 14 के लिए 1110 है, एंड 15 के लिए 1111 है। अब हमने नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ना है कि हम जी डेसिमल नंबर को, ऑक्टल नंबर को, या हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोगों की क्लास ये आज की क्लास यहाँ तक थी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग डायरेक्ट वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं, या थ्रू स्कूल आप लोग हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।